हाई व्हाट्सअप गाइस तो हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सी प्लस प्लस में कर लिया है अब हम इसको समझने वाले हैं वर्ड बाय वर्ड ठीक है तो सबसे पहले आते हैं हमारा हैश टैग इंक्लूड ये क्या होता है यार ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमें नाम पे नहीं जाना हमें काम पे जाना है काम इसका ये है कि ये इंक्लूड करता है हमारी फाइल्स सी प्लस प्लस में तो यार सी प्लस प्लस में कुछ फाइल्स होती है जो कि कुछ पर्टिकुलर काम कर रही होती है ठीक है जैसे इनपुट के लिए अलग फाइल होगी आउटपुट के लिए अलग फाइल होगी एंड सो ऑन तो हमारी जो भी हमें फाइल्स इंक्लूड करनी है हमारे प्रोग्राम में वो पर्टिकुलर काम करने के लिए उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैश टैग इंक्लूड अब यहाँ पे हमने कौन सी फाइल इंक्लूड कर रखी है हमने इंक्लूड कर रखी है आयो स्ट्रीम आयो स्ट्रीम इज़ दी हेडर फाइल फॉर टेकिंग इनपुट एंड प्रिंटिंग आउटपुट तो हम यहाँ पे आउटपुट प्रिंट जो कर रहे हैं हम आउट की हेल्प से कर रहे हैं तो ये आउट तभी काम करेगा जब हमने आयो स्ट्रीम वाली हेडर फाइल इंपोर्ट कर रखी है अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट बोल सकते हो आप या फिर इंक्लूड ठीक है नेक्स्ट आते हैं मेन पे तो यार ये मेन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कंपाइलर को बताता है कि हमारा जो कोड है उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होने वाला है ठीक है तो कंपाइलर देखेगा ढूंढेगा मेन को जहाँ पे उसे मेन मिल गया वहाँ से वो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा और मेन फंक्शन जो है वो होना मैंडेटरी होता है किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर ये प्रोग्राम में नहीं प्रेजेंट तो हमें एरर मिल जाएगी नेक्स्ट आते हैं हम प्रिंट कैसे कर रहे हैं हम प्रिंट कर रहे हैं यूजिंग सीआउट तो यहाँ पे मैंने लिखा है एस टी डी डबल कोलन सीआउट ये क्या कर रहा है ये कर रहा है डिस्प्ले हमारे आउटपुट को जो भी हमने कोटेशन मार्क्स के बीच में लगा रखा है इन दिस केस इट इज़ हेलो वर्ल्ड और ये जो हमने ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर रखा है ये हमारा सी आउट से फॉलोड होता है और उसके बाद जो भी हम स्पेसिफाई करते हैं वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने बैक स्लैश एन यहाँ पे डाल रखा है हेलो वर्ल्ड के पास तो यार ये प्रिंट नहीं हो रहा होगा हेलो वर्ल्ड के साथ ये क्या काम करेगा ये ऐड कर देगा एक लाइन ब्रेक मतलब कि नेक्स्ट लाइन में हम आ जाएंगे जैसे ही बैक स्लैश एन हिट होगा तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ हेलो और वर्ल्ड के बीच में तो क्या होगा कि हेलो एक लाइन में प्रिंट होगा और फिर वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा एंड फाइनली जो यहाँ पे हमने एक कोलन लगा रखा है उसका काम है मार्क करना कि ये स्टेटमेंट जो है ये एंड हो चुका है तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है हमारा आ गया कोलन, तो ये स्टेटमेंट खत्म हो गया अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में बढ़ जाओ अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिटर्न ज़ीरो तो यार ये रिटर्न ज़ीरो स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है इन आर इंट मेन फंक्शन तो रिटर्न क्या काम करता है रिटर्न हमारे कंपाइलर को बता देता है कि ठीक है ये वाला फंक्शन अब ख़त्म हो गया अब आप इस फंक्शन में से निकल सकते हो अब आप एग्जिट कर सकते हो तो रिटर्न ज़ीरो होते ही हम इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे हम अपने प्रोग्राम से ही बाहर आ जाएंगे इस केस में तो अगर मैं रिटर्न ज़ीरो के बाद कुछ भी लिखती हूँ तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा एंड जो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस ऐड किए हैं ठीक है यहाँ पे ओपनिंग है यहाँ पे क्लोजिंग है इनका काम है इंडिकेट करना कि हमारा फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से ख़त्म हो रहा है तो ये यह ब्रेसेस यहाँ पे ऐड करना इम्पॉर्टेंट है एंड अगर आपने यहाँ पे ओपन लगा दिया क्लोजिंग नहीं लगाया क्लोजिंग नहीं लगाया ओपन लगा दिया समथिंग लाइक दैट तो उससे हमें एरर मिल जाएगी तो इसका ब्रेसिस का हमेशा हमने ध्यान रखना है वरना हम सोचते रह जाएंगे कि भाई एरर क्यों आ रही है अब इसको देखते हैं प्रोग्राम में ठीक है तो यहाँ पे मैंने वही प्रोग्राम लिखा है जो पीछे लिख रखा था यहाँ पे अगर आप ये देखो सी आउट पे अगर मैं होवर करूँ तो मेरे को ये बोल रहा है लिंक्ड टू स्टैंडर्ड आउटपुट तो यार यहाँ पे जो मैंने एस टी डी लिख रखा है ना दिस इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर स्टैंडर्ड एंड दिस इज़ नेम स्पेस स्टैंडर्ड तो ये जो सी आउट है मेरा ये नेम स्पेस स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है एंड मेरे को यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ रहा है कि वो किस नेम स्पेस से बिलोंग करता है अब अगर मेरे को ये चीज़ बार बार स्पेसिफाई नहीं करनी है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ मैं इसको यहाँ से ह... हटा सकती हूँ और मेरा जो हेडर फाइल इंक्लूड करा है मैंने उसके बाद मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ यूजिंग नेम स्पेस एस तो इससे क्या होगा कि हमने जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस है वो एक की बार वन फॉर ऑल इम्पोर्ट कर लिया अपने प्रोग्राम में तो मुझे बार बार यहाँ पे एस डबल कोलन नहीं लिखना पड़ेगा ठीक है अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ ये प्ले बटन दबा के तो आप देखिए अभी ये रन हो रहा है एंड यहाँ पे हमारे पास आउटपुट है ये पहले का ठीक है तो आ, इसको एक और तरीका रन करने का कैसे आप टर्मिनल पे जाके आप लिख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ठीक है आप लिखोगे डॉट स्लैश हेलो वर्ल्ड तो मेरे पास यहाँ पे जल्दी आउटपुट निकल के आ रहा है अपना राइट नाउ वी हैव सीन कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कैसे करते हैं हम आउटपुट कैसे देते हैं वी यू टू सी कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं यूजर से सपोज़ राहुल की मोम उसे कुछ पैसे दे रही है और राहुल के डैड भी उसे कुछ पैसे दे रहे हैं तो हमें निकालना है कि फाइनल अमाउंट कितना है ठीक है मैं यहीं पे चेंजेस करने वाली हूँ अब सपोज राहुल की मोम उसे कुछ पैसे दे रही है और राहुल की डाट भी उसे कुछ पैसे दे रहे हो तो हमें निकालना है कि फाइनल अमाउंट कितना है ठीक है तो मैं यहीं पर चेंजेस करने वाली हूँ अब सपोज राहुल की मॉम उसे देती है इन अमाउंट वन ठीक है तो इंटीजर होगा वो अमाउंट और मैंने एक वेरिएबल बना लिया अमाउंट वन उस अमाउंट को स्टोर करने के लिए अब इस अमाउंट को अगर मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है तो मैं लिखूँगी सी आई एन और ये जो आउट में हमने यूज़ किया था ये राइट दिस इज़ इंसर्शन ऑपरेटर एंड दिस इज़ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ठीक है तो सिन में वो उल्टा डायरेक्शन हो जाता है उसका और यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट वन तो यहाँ से जो भी मैं इनपुट लूँगी यूज़र से वो अमाउंट वन जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा राइट right? और जो उसके पापा दे रहे हैं वो है अमाउंट टू एंड सिमिलरली मैं अमाउंट टू भी यूज़र से इनपुट ले सकती हूँ अब अगर मेरे को इसका सम फाइंड करना तो मैं क्या करूँगी मैं एक वेरिएबल बना दूँगी सम और इसमें लिख दूँगी अमाउंट वन प्लस अमाउंट टू अब ये जो सम है ये मेरे को आउटपुट करवाना है तो मैं लिख दूंगी सी आउट सम यहाँ पे मैंने सम को कोटेशन मार्क्स में इंक्लूड नहीं किया है जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड को किया था क्यों क्योंकि अगर मैं इसको कोटेशन मार्क्स में कर देती हूँ ठीक है तो क्या प्रिंट हो रहा होगा पता है प्रिंट हो रहा होगा सम ऑन आर स्क्रीन और वो वैल्यू नहीं प्रिंट हो रही होगी जो सम के अंदर है हमें तो वो वैल्यू प्रिंट करनी है ना यार तो एक काम करते हैं दोनों करके देखते हैं एंड लेट्स सी के हमारे पास क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक ऐड कर देती हूँ ग्रेट अब मेरे को इसको रन करना तो मैं या तो ये प्ले बटन यूज़ कर सकती हूँ ठीक है या फिर एक और शॉर्टकट होता है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए मैक में होता है कमांड प्लस शिफ्ट प्लस बी ठीक है तो ये करने से मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा टू बिल्ड एक्टिव फाइल इसको मैं वो करूँगी एंड यहाँ पे प्लस साइन पे अगर मैं दबाऊँगी तो यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल खुल जाएगा अब मैं लिखूँगी हेलो वर्ल्ड अब यहाँ पे मेरे पास आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मुझे यूज़र को इनपुट देना है तो सपोज उसकी मॉम जो है जो अमाउंट वन है वो है हंड्रेड और जिसके डैड जो दे रहे हैं वो है अमाउंट वन ठीक है तो जो सम निकल के आया वो आप देखो पहले तो हमने सम प्रिंट किया था इन कोटेशन मार्क्स है ना तो वहाँ पे सम एज इट इज़ हमारा प्रिंट हो गया हमें क्या चाहिए सम की वैल्यू तो उसके लिए हमने कोटेशन मार्क्स नहीं ऐड किए तो यहाँ पे मेरे को उसकी वैल्यू मिल गई टू फिफ्टी है ना? और यहाँ पे अगर हम लाइन ब्रेक ऐड कर देते तो ये नेक्स्ट लाइन में चल जाता लाइन ब्रेक के लिए हम एंडल भी यूज़ कर सकते हैं यार यहाँ पर ठीक है तो एंडल मतलब कि एंड लाइन तो उसके लिए मैं पहले इंसर्शन ऑपरेटर लगाऊंगी और फिर एंडर लिख दूंगी तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा ठीक है तो यार यहाँ पे हमने समझ लिया हेलो वर्ल्ड को एक एक वर्ड करके और हमने समझ लिया कि हम सी प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट कैसे दे रहे होंगे एंड ले रहे होंगे ठीक है तो ग्रेट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन